शुरू हो गया, चुनाव के बाद रोना भी शुरू हो जाएगा। गाना रोना अब कर रही है आरजेडी, तो इसका मतलब है कि खाता नहीं खुल पाएगा इस बार भी, कि इस बार 400 के पार जाना है। कोई कांग्रेसी ये कह रहा 300 पार नहीं करेंगे, शशि थरूर कह रहे हैं, इसका मतलब ये तो मान रहे हैं ना कि हमारी सरकार बन रही है। इसमें कितनी ताकत है, प्रधानमंत्री ने 350 रैलियां की हैं, बाकी लोगों में क्षमता नहीं है तो नहीं कर पा रहे। बिहार में छठे चरण के 8 सीटों पर आज वोटिंग हो रहा है, तो दूसरी तरफ सियासत भी खोब रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन और आरके सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव अभी गाना गा रहे हैं, चुनाव के बाद उनका रोना भी शुरू हो जाएगा। पिछले बार भी सुन पर आउट हो गए थे, इस बार भी सुन पर आउट हो जाएंगे। वहीं आरके सिन्हा ने प्रधानमंत्री के लगातार बिहार दौरे को लेकर कहा कि जिसमें जितना दम है उतना रैली कर रहा है, प्रधानमंत्री में उतना दम है तो वो उतना रैली करके दिखा रहे हैं। क्या कुछ कहना है शहनवाज हुसैन और आरके सिन्हा का, आप सुनिए इस वीडियो। टन 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 तारा, बीजेपी हो गए 9-2-11। अच्छा, अब गाना भी गाने लगे हैं, ऐसे शुरू से गाना गा रहे हैं और आजकल भाषण की जगह जब गाना गाने लगे, गाना शुरू हो गया, चुनाव के बाद रोना भी शुरू हो जाएगा। गाना रोना अब कर रही है आरजेडी, तो इसका मतलब है कि खाता नहीं खुल पाएगा इस बार भी। पिछली बार जीरो थे, इस बार भी जीरो हो जाएंगे, इसलिए अब गाना रोना शुरू हो गया है। आपको सिर्फ गाना दिख रहा है, कई लोगों को रोना भी दिख रहा है। शशि थरूर ने कहा कि 300 सीट में पार करना बहुत मुश्किल है, जिस तरीके से 5 महंगाई, लोग, जनता, एक कांग्रेसी मान रहे हैं कि मोदी की सरकार बन रही है और हम लोग मान रहे हैं कि इस बार 400 के पार जाना है। कोई कांग्रेसी ये कह रहा 300 पार नहीं करेंगे, शशि थरूर कह रहे हैं, इसका मतलब ये तो मान रहे हैं ना कि हमारी सरकार बन रही है। तो हमारी सरकार बन रही है ये कांग्रेसी भी स्वीकार कर चुके हैं, खाली इसमें है कि नहीं 400 के पार नहीं जाएंगे, और हमारी जिद है 400 के पार जाने की। यूसीसी का तो कांग्रेस विरोध करती है, कांग्रेस ने जो ट्रिपल तलाक का कानून जब हम लोग लाए थे ख़त्म करने का, उसका भी विरोध किया था। कांग्रेस की आदत है, वो वोट बैंक की सियासत करना चाहती है। हम सबको बराबरी देना चाहते हैं, हम ये यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं, हम बराबर का कानून चाहते हैं, सबके लिए बराबरी चाहते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ने स्पष्ट किया है। अच्छा, ओवैसी आ रहे हैं, आ गए, आप लोगों से भेंट हो गया, तो वो ओवैसी को भी बुला लें या किसी को बुला लें, 40 की 40 सीट हम लोग जीतने वाले। और बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। क्या डीए के फेवर में लगा रहे हैं? एकदम, ये तो दिखने वाली बात है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं बिहार बार बार, तो प्रेम करते हैं बिहार से, इसलिए आ रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि डरे हुए हैं, इस वजह से बार बार रुक पा रहा है। नहीं, वो तो सवाल ये है ना कि जिसमें कितनी ताकत है, प्रधानमंत्री ने 350 रैलियां की हैं, बाकी लोगों में क्षमता नहीं है तो नहीं कर पा रहे। जनता के बीच तो जिसको जाना अच्छा लगता है, जिसको पसंद है, वही जाएगा। तेजस्वी गाने के माध्यम से कह रहे हैं कि टन 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 टारा, बीजेपी हो गई 9-2-11। वो तो अब 4 दिन बचा, 4 तारीख को 9-2-11 और कौन होगा जी, ये पता चल जाएगा जनता। विपक्ष के नेता कह रहे हैं 200 भी पार नहीं कर पाएंगे इस बार एनडीए के लोग। उनको कहने दीजिए, उनके मुंह पे तो आप ताला नहीं लगा सकते जी, उनके कहने से क्या फायदा, उनके कहने का कोई मतलब नहीं है, जनता जो कहती है उसी का मतलब। ठीक है।